पवन मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं अपने खास कार्यक्रम जीत का फैक्टर किसान का ट्रैक्टर के लिए हांसी विधानसभा में हूं और हांसी विधानसभा के गगनखेड़ी गांव में मैं मौजूद हूं। जी हां, कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ यहां पर आया हूं और कुछ किसान भाई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धर्मदेव सिंह। धर्मदेव जी, विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई, डेट में बदलाव भी हुआ है, तो आपको क्या लगता है डेट में जो बदलाव हुआ मतदान का, उससे किसको फायदा होगा और किसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है? डेट से किसी का कोई फायदा नहीं, चाहे 10 दिन बाद कर लो चाहे 10 दिन पहले कर लेते, इलेक्शन तो फिक्स हो रखा है। बीजेपी को जाना है। यह खाद की समस्या है, पानी की समस्या, कोई समस्या दूर नहीं की सरकार ने। एक ट्रैक्टर है मेरा, इसमें 28% जीएसटी लगता है। इनोवा का डीला, उसको 12% टैक्स है जीएसटी। जो टोल पे रोड है सब टकाटक है, जहाँ टोल लगता है, जहाँ टोल से साइड में रोड निकलते हैं, कोई भी रोड पक्का नहीं। हरियाणा में, पूरे हरियाणा में घूमते हैं हम, समस्या ही समस्या सारी। अभी डीएपी, अभी 80 में डीएपी एक कट्टा भी नहीं है। चुनाव को लेके हर नेता आपके पास आ रहे होंगे, वोट मांग रहे होंगे, इस बार किसान भाई लोग जो है क्या सोचकर वोटिंग करेंगे? किसान समस्याएं, अपनी समस्याएं गा रहे हैं सबको। अब की बार तो पहले तो एमएलए एमपी कोई टिकट लेके आता था, उनसे बात ही नहीं करते थे। अब तो पढ़े लिखे किसान हो गए, सारे उनसे सवाल करते हैं, भाई तुम क्या करोगे हमारे लिए, और जवाब नहीं दे पा रहे कोई भी। ये समस्या बहुत ज्यादा वो है। आप किस चीज की खेती करते हैं? हम धान और गेहूं की, मैक्सिमम धान और गेहूं की खेती करते हैं। अच्छा, तो खेती में क्या हर साल क्या फायदा होता है आपको? फायदा नहीं है, बस काम चलाओ, पेट भरता है मुश्किल से, वसूगार अपना मुश्किल से काम चलता है। बिजली का बिल इतना हो गया, गैस सिलेंडर कितना महंगा है, अच्छे ज्यादा दाल तेल हमारे से लेके हमारे को डबल मिल रहा है। हमारे से खरीद के अनाज हमारे को डबल में वापस आ रहा है। सरकार कैसे पता नहीं, सरकार क्या कर रही, कहाँ जा रहा है पैसा हमारा, टैक्स कितना टैक्स देता है हरियाणा में ये नहीं पता, टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा, कि कौन खा रहा है उसको, कहीं कुछ नहीं लगा रहे। एक कोई समस्या दूर नहीं सरकार की तरफ से, कहीं भी ये सफेदे खड़े इतने बड़े बड़े, ये खेत में गिर जाए तो सरकार उठाने नहीं आएगी, जमींदार को काटने नहीं देते, ये इतना नुकसान कर देते, आधा किलोमीटर दूर तक, आधे किले तक गिर जाता था में। समस्या ही समस्या। ये पता चला कि इस गांव में जो है सबसे बड़ा विधानसभा जो क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा मतदाता इस गांव में है, तो सब खेती किसानी करते हैं या कुछ और भी काम करते? नहीं, मैक्सिमम खेती किसानी करते हैं, और तो क्या, जो सर्विस मैन है वो बाहर रहता है, सर्विस मैन तो बाहर है सारे, अपने अपने मकान सेट कर लिए, सब बाहर बैठे हैं, बच्चे सब विदेश में भाग गए, या रोजगार कोई है नहीं, सब समझ इधर कोई रोजगार के बगैर 40-40 लाख रुपए दे के विदेश में भाग गए बच्चे, कोई किला बेच गया, कोई 2 किले बेच गया, कोई भी सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं। वो एक आर्मी में लगे करते हमारे बच्चे, वो गरीबी करके वो भी समस्या खत्म, वो समस्या समस्या डाल दिया गया। ये इस योजना से आप खुश नहीं है? नहीं, कोई खुश नहीं, मैं क्या, कोई किसी भी जाति का कोई भी आदमी खुश नहीं। हमारा, हमारे बच्चे सिर्फ आर्मी सीआरपीएफ है, सब उसी में जाके खुश थे, वही नौकरी मिलती थी, वही गवर्नमेंट ने अग्निवीर बना दिया, 4 साल की नौकरी, 4 साल में क्या करके आएंगे, गुंडे बन के आएंगे, 4 साल में कोई नौकरी हुई? हम भी नौकरी करके आए, 20-25 साल नौकरी करो, घर में आराम से आओ, 2 पैसे बचते, 4 साल में क्या कमा के ले आएगा बता। कुछ और किसान भाई हैं जो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार है जी। अच्छा, चलिए, मेरा भी नाम पवन मिश्रा है। ये बताइए, इस दोपहर को मैं देख रहा हूँ ट्रैक्टर पे आप निकले, इससे पहले मैं देखा खेतों में काम भी कर रहे थे, तो पानी वानी की पूरी व्यवस्था खेतों में आपकी है, खाद वाद आप सही कर रहे हैं? नहीं है जी, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, नहर अभी बंद पड़ी है हमारी, ना बिजली आ रही टाइम से, सरकार कुछ नहीं करी जमींदार के लिए, जमींदार बिल्कुल खत्म कर दिया सरकार ने, उर्वरक के भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं, फसलों के दाम कम हो रहे हैं, है, और ये कहता है कि विदेश में भी इसने एक्सपोर्ट को बंद करवा दिया मोदी जी ने, बाहर नहीं जाएगा चावल, चावल बाहर नहीं जाएगा तो भाव कहाँ से मिलेंगे, भाव नहीं मिले तो हमारे बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे, इसी पे आधारित है
आधारित है, दो दो किलो तीन तीन किले के जमींदार रह गए सारे, ज्यादा फसल रुकमा तो है नहीं किसी के पास, छोटे छोटे जमींदार रह गए, क्या करें, मजबूरी है, बच्चों का पेट पालना, रोटी किताब कापी, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है जमींदार ने। एडती से पैसा ठाठा के काम चलाते हैं, घर में शादी हो तो भी एडती से पैसा आता है, सरकार कोई मदद नहीं कर रही। सूद पे आप पैसा लेते हैं? हम जी सूद पे पैसा लेता है जमींदार। आपकी खेती किस चीज़ करते हैं? खेती सिर्फ धान की और गेहूँ की। उसमें आपको फसल जो आप पैदावार करते हैं तो क्या आपको फायदा नहीं होता? नहीं, माइनस में ही रहते हैं। एक फसल डाल आए सूद साहूकार के, वो उसके वो रह गए टूटते, लाख रुपए रह गए, दो लाख रह गए, अगली फसल में वो पूरे करते हैं, फिर बीच में भैंस मर गई, ये हो गया वो हो गया, जमींदार का तो ना DAP मिलता, अभी फसल नहीं आई, अगली फसल, ये तो अलवी है ही है फसल, अगली फसल की तैयारी कर रहे थे, कल गए 80 शहर लगता हमारे, तो DAP ही नहीं है, सारे बढ़िया साहूकार हैं ब्लैक में दे रहे हैं DAP, सरकार का ब्लैकबाजी पर कोई अंकुश नहीं है। हमने बूढ़ों से सुना था कि ये ब्राह्मण बाणियों की सरकार है BJP, बिल्कुल सही है, हमने सोचा कि इन्हें ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही है, ये कारोबारियों की ब्लैकियों की। टमाटर का भाव 120 रुपये के जी, जब जमींदार पे था 15 रुपये 10 रुपये किलो, आज प्याज का भाव देखो 60 रुपये किलो, जमींदार के पास था जब 8 रुपये के जी था, आलू का भाव लगा लो 40 रुपये किलो, कहाँ सब्जी खाएंगे, हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्या हम करेंगे, बड़े तरसते हैं सरकार से, बहुत ज़्यादा महंगाई है, ब्याज में ब्याज लगाती है, ये ट्रैक्टर है दादाजी का, ये देखो ना कितना परसेंट GST, ये कहते हमने किसानों का भला कर दिया, कैसा भला कर दिया, इस पर 28% GST देते हैं, हम 28% GST देते हैं, खेत में बिजली है तो सरकार तो आपको सब्सिडी भी तो देती है बदले में, कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है मेरे को, कहीं नहीं मिल रही, कहीं नहीं सब्सिडी मिल रही, कहने के नाम मात्र कागजों में ही सब्सिडी है। हम जाते हैं बैंक से जब लोन उठा रखा है KCC भरने, ये कहते हैं कि 40 पैसे 70 पैसे हमारे से भरवाते हैं, फिर ये फाइल खर्चा हो गया, आप लेट हो गए, जमींदार बोला आदमी है, कोई भी इंटरेस्ट आके लगा देते हैं, क्या करें, आखिर में सोचते हैं एक दो एकड़ है ये भी चली जाएगी, सरकार इसको अपने दिन कर लेगी, इससे मरते मरते किसी से ब्याज नहीं उठा के सूद को उठा के बिल भरना पड़ता है। बिजली का कनेक्शन लेने जाता है जमींदार, पहले पैसे भरवा लेते हैं, तीन तीन चार चार साल में नंबर नहीं आता बिजली का, अप्लाई पैसे भरवा लिए, 1 लाख रुपये कोस्ट भर दो, कोस्ट तो भर दी, सारा खर्चा ले लिया, चक्कर काटे था बिजली बोर्ड के, बिल मेरा कनेक्शन कब होगा कब होगा, बोल रहे अभी तो 2016 वालों का नंबर आया है, 2024 आ गई, फिर हमारा नंबर कब आएगा, बूढ़े हो जाएंगे, अगली पीढ़ी में नंबर आएगा, ऐसे है सरकार के हालात। यानी इस बार जो है जीत का फैक्टर आपका ट्रैक्टर कितना कारगर साबित? बहुत कारगर साबित होगा, जय जवान जय किसान, इन्होंने अग्निवीर देखो क्या किया, हमारे जमींदार के बच्चे यूँ था थोड़ा बहुत है, मैं पढ़ते तो दादा नहीं थे, क्यों हम पढ़ा नहीं सकते, वहाँ जा नहीं सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, सबसे घटिया स्कीम लेके आती है ये सरकार, सबसे घटिया स्कीम लेके आई है अग्निवीर की, 4 साल में बच्चा क्या करेगा, 18 का गया 22 का घर वापिस आ गया, क्या करेगा वो, उस दौरान उसकी पढ़ाई से भी अटैचमेंट हट जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएगा, 4 साल और नौकरी करेगा वो, नौकरी करेगा तो पढ़ाई से भी तो है कि ये कहा जा रहा है कि उसमें बढ़िया काम करेगा, परमानेंट कर दिया जाएगा, पैरामिलिट्री फोर्स में भेजा, परमानेंट होगा सर, अफसरों की जमता गिरी, जो 25% वो रखेंगे जो उनको पैसे देगा अफसरों को, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का तरीका है, ब्रिगेडियर और को कर्नल और को जो पैसे देगा उसी को रखेंगे, उसी को पक्का करेंगे, तमतागिरी करेंगे या ना कि किसी को, मतलब टैलेंटेड बच्चे को नहीं रखेंगे। चुनाव के तारीखों में जो बदलाव हुआ मतदान के तारीख में, उससे कितना आपको लग रहा है फर्क पड़ेगा, किसे प्रभाव पड़ेगा, किसे नुकसान होगा? हम तो ये कहते हैं भी नेवरा के कर लो, हम बख्शेंगे नेब की बार, छोड़ेंगे नहीं, किसान भाई का गुस्सा है, बता रहे हैं कि कई तरह की परेशानियां इन्हें। एक सवाल हमारा आपसे यह है कि जो आप क्या पूरे साल किसानी या खेती बाड़ी में ही रहते हैं या कुछ और भी आपका कोई रोजगार है? नहीं, और कोई रोजगार नहीं, सब यही, सब पूरी जिंदगी पूरी हमारी तो किसानी में निकल गई, दिनों के क्या कोई बात ही नहीं, दिनों की बचपन में खेले पढ़े, 8-10 के बाद आगे बच्चा बूढ़ा ने पढ़ाए को नहीं, पैसा नहीं था, बाकी खेती में लग गए, अब 2-2.5 एकड़ जमीन बांटा हुआ है उसमें बड़ा गुजारा कर रहे हैं, को भैंस बिकी साल में, को बीमार होगी, बजाड़े जाड़े हैं सारी जिंदगी, कोई वो टाइम ही पास। अभी कितने बच्चे हैं?
मेरे बच्चे दो हैं, एक लड़का लड़की। उनकी किसानी करते हैं या क्या करते? नहीं, उनकी शादी कर दी, दोनों की शादी कर दी। लड़का प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, लड़की बाहर है। ये किसान भाई हैं, गगन खेड़ी गांव है, और इनका कहना है कि कई तरह की समस्याएं हैं, पानी की समस्या होती है, पानी की समस्या होने के कारण जो है ये धान की खेती ठीक से नहीं कर पाते हैं, और जो फसल जो ये उपजाते हैं उस फसल पर भी जो है इन्हें लागत नहीं मिल पाता है। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं, कुछ युवा भी हैं, सत्यवान इनका नाम है। इनका कहना था कि ये पहले प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे, नौकरी चली गई, दोबारा नौकरी नहीं मिली, फिर ये अपने गांव गगनखेड़ी आ गए हैं और इस बार ये मतदान भी करेंगे। इनसे हम बात करते हैं, आप भी पहले भी किसान थे, अभी भी आप किसान हैं? जी हाँ, किसान। क्या मन हुआ कि नौकरी करने चले गए? हाँ जी, नौकरी करने चले गए थे, लेकिन हम नौकरी से निकाल दिए गए। हाँ, फिर हम गांव में आ गए, क्योंकि लगातार खेती कर रहे हैं तब से। क्या क्या इस बार क्या सोचकर आप वोटिंग करने वाले हैं, क्या चाह रहे हैं? खेती बाड़ी आप करते हैं, किसान हैं। एक मैं शायरी बोल सकता हूँ, कोई कहते ये चिंगारी सोलों से, चिंगारी से फूल खिले हैं इस बार बड़ी ही तैयारी से, मुद्दतों बाद यूं तब्दील हुआ है मौसम, जैसे छुटकारा मिला हो किसी बीमारी से। कौन सी बीमारी से आपको छुटकारा चाहिए? बीजेपी सरकार किसान की सबसे बड़ी बीमारी है। क्या आपकी क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है आपकी? किसान की हालत सबसे खराब इसी सरकार ने की है, कैमरे को देखें, इसी सरकार ने की है। किसान की आज सबसे बुरी दशा का अगर कोई जिम्मेवार है तो वो भाजपा सरकार है। आपकी क्या बुरी समस्या है? आप पार्टी को आप ब्लेम दे रहे हैं, आप अपनी समस्या बताइए। जी, समस्या सबसे पहले तो किसान की हर जगह अनदेखी की जाती है, फसलों का अभाव, खाद की शॉर्टेज, पानी की व्यवस्था, किसान के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। हर कदम पर सरकार ने किसान को हमेशा ही नीचा ही दिखाया है। बस ये आप जो यहाँ जो धान है यहाँ से, फिर आप कहाँ मंडी में बेचने जाते हैं, क्या करते हैं आप? मंडी या जहाँ आपका खेती खलियान है वहाँ से सरकार उठा लेती है या मंडी में जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सब हम अपना साफ सफाई करके मंडी में ले जाते हैं। मंडी में बोली लगाते हैं, उनका मर्जी है किसी छोड़ दे बोली, मजबूर किसान ने मजबूर हो गए उधर छोड़नी पड़ती है। आप रेट नहीं लगाते हैं, मंडी वाले रेट लगाते हैं? मंडी वाले मिलर मंडी वाले नहीं, मिल वाले रेट लगाते हैं, मिल वाले रेट लगाते हैं, वो बोली लगाते हैं। उन्होंने 2000 कह दिया तो हमने 2000 रुपये छोड़ना पड़ेगा, उसके समस्या इतनी बड़ी समस्या है, तो कितने कह दो भाई मिल वाले, हम मिल वाले टक्कर तो ले नहीं सकते, उधर 4-5 दिन भी पड़ी रहती है जीरी, कई बारी समस्या है, मतलब बहुत बार जीरी। यानी लागत आपकी लेकिन कीमत कोई और तय करता है? हाँ, पैदा हम करते हैं, कीमत और कोई दूर लगाता हमारी फसल का, जबकि कोई 100 रुपए का पाउडर बनता है वो तो 5000 का बिक्री, कोई पूछने वाला नहीं, मिल वाले लगाते हैं अपने पाउडर का दाम में। हम इतना गर्मी में धूप में सांप के मुंह में बैठ के खेती फसल पैदा करते हैं, हमारी फसल का दाम कोई और लगाता है, ये हमारे को सबसे बड़ी दुखी बात है भाई। हम पैदा हम करें, भाव कोई और लगाए, इससे सब। ये हमारे किसान भाई हैं, अन्नदाता हैं, इनका कहना है कि फसल तो ये बोते हैं, लागत इनकी लगती है, लेकिन फसल की बोली कोई और लगाता है, इनके नफा और नुकसान के बारे में कोई नहीं सोचता है। और लेकिन विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, इनके खेतों पर भी कई राजनीतिक पार्टी के नेता आ रहे हैं, उसमें निर्दलीय भी शामिल हैं, लेकिन कोई किसान हित की बात नहीं करता है, एक ही बात करता है कि अपना बहुमूल्य वोट हमें जरूर दें। आप बताइए, आप क्या बोलना चाहिए? देखो जी, 2014 में मोदी सरकार आई थी, इसकी एक तो फसल बीमा लागू योजना कर दी, इससे हमारा कोई फायदा को नहीं, पैसे भरवा ले बैंकों में और बीमा उसका मिलता नहीं। पीछे इसे गुजरात में बंद कर रखा है, एक हरियाणा और बाकी स्टेटों में सब जगह ये लागू कर रखा है। अच्छा, 2014 में आते हुए पहली कैबिनेट की मीटिंग में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुला कर ये कह दिया था कि किसान को जो भाव और बोनस देगा उसको हमें केंद्र से कोई मदद नहीं कराएंगे। इस वक्त मोदी सरकार ने खेती का बट्ठा बैठा रखा है जैसे, और बाहर फैक्ट्रों बट्ठा बैठा दिया, हवाई जहाज का, एयरपोर्ट का, सब चीज़ बेच दी थी।
और अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में इसको सबक सिखाएंगे। सी विधानसभा क्षेत्र से मेरा गांव आता है और इसको हराने का काम करेंगे बीजेपी को। सरकार को तो कोई फायदा को नहीं, जीते बदलो चाहे ना बदलो, ये अपने मतबल से करते है। तारिक दो इनको बढ़ाई है, अपने स्वार्थ के लिए बढ़ाई है, है? और जमींदार तो इतना डाउन चलेगा 10 साल में, मेरी 70 साल की उम्र होगी, बहुत गरीबी में आएगी जी पहले ही 10 साल की उम्र। बच्चों को रोजगार नहीं है, बिल्कुल बेकार हंडन लग रहे हैं, फसल का भाव नहीं मिलता। मैं कल DAP लान गया था 1 किला सरसों का बोने के लिए, वहाँ DAP भी नहीं मिला मेरे को, लाइन में लगे हुए थे लोग, बोले DAP है ही नहीं जी, क्या और इससे भारी समस्या जिम्मेदार के लिए क्या होगी, है? टाइम पर फसल नहीं खरीदी जाती, वागत जीरी आएगी, जीरी का भाव नहीं मिलेगा, और क्या करे समस्या जिम्मेदार के लिए, इससे बड़ी क्या समस्या हो। फसल का भाव इन्हें नहीं मिलता है, 70 साल के ये बुजुर्ग हैं, कुछ और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए, चुनाव इस बार होने वाला है, आप खेती, किसी की खेती करते हैं? हम खेती करते हैं बाड़ी की, धान की सर, धान और गेहूँ की। तो ये खेती करते, फायदा आपको होता है? फायदा कहाँ होता है, टाइम पर ना खाद मिलता ना बीज मिलता, ना अगर फसल टाइम पर खरीदते, मंडियों में 10-10 दिन ले फसल ले खड़े रहते हैं, तो कहाँ फायदा होगा जी। मनमाने रेट लगाते हैं, जमींदार तो मजबूर हो जाता बेचने के लिए, क्योंकि बच्चों की शादी करनी है और खर्च निकालना है। जब ये किसान आंदोलन पर बैठे थे किसान, तो वहाँ 750 की हत्या हुई, जब ये सरकार नहीं बोली किसी को भी, किसानों के बारे में नहीं लगे तो कानून वापिस नहीं होते, ये कैसे SDO देने लगे इसके ऊपर, फसलों के ऊपर ईप देने लग गए, पहला घोषणा क्यों नहीं की, इलेक्शन है, इलेक्शन मतलब जान के वोट लो, इसलिए किसानों के बकाओ बकाते हैं और वोट लेते हैं। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि किसान सिर्फ इस्तेमाल के लिए बने हुए हैं, वोट का इस्तेमाल के लिए, वोट के इस्तेमाल के लिए जो बका के ले लेते हैं। एक चीज बताइए, जब आप पहली बार आपने जब वोट किया होगा और इस बार आप वोट करने जा रहे हैं, क्या अंतर राजनीति में, क्या अंतर आपने देखा और किसानों में क्या अंतर आपने देखा, पहले के किसान अभी के किसान, सड़कों की क्या हालात है आपके विधानसभा क्षेत्र में, क्या स्थिति है? खेतों में जी पानी टाइम पर नहीं है सर, सड़कों के हालात देख लो जी, हमारे स्कूल की सड़क जो यहाँ से लेकर अड्डे से लेकर यहाँ तक 10 साल में ये इलेक्शन आ गए, जब ये थोड़ी शुरू करी है, नहीं 10 साल किसी को पूछा ही नहीं जी सड़क को, वह भी सड़क आती है जी काकचुम है, ये जमोड़ी का रास्ता है जी, कागजों तो बनाया दिखाते हैं और वो फुटिया पड़ा है, कागजों में दिखता है और हकीकत में कुछ और है। हाँ और है जी, ये शुद्ध ली है जी, इलेक्शन आ गया अब उसको पर पत्थर से घेर घेर माटी घेर रखी है जी, मुख्यमंत्री झूठी घोषणा है, सारी घोषणाएं झूठी है जी। तो इस बार क्या सोचकर आप वोट करने जा रहे हैं? वोट हम ये करने जा रहे हैं, जो किसानों के विरुद्ध सरकार है उसको वोट नहीं करेंगे। तो कई सारी समस्याएं हैं बुजुर्ग किसानों का भी, कि सिर्फ कागजों में दिखता है कि सड़कें बनी हुई हैं लेकिन हालात कुछ और होते हैं, नहर से पानी भी समय पर नहीं मिल पाता है जिस कारण से इनका फसल तैयार नहीं हो पाता है, लेकिन जब ये मंडी में जाते हैं फसल की कीमत भी नहीं मिल पाती है, बच्चे बेरोजगार हैं, लेकिन इस बार इन्होंने पूरा मन बनाया है कि जो किसान के हित में जो काम करेगा उसको ही वोट करेंगे, तो नहीं तो क्या आपका वोट नोटा को जाएगा? नोटा को जाएगा आपका वोट? हम तो सरकार को बनाएंगे जो हमारे इसमें काम करेगा, है? इसको बदलना चाहते हैं हालत में सरकार को। उम्मीदवार अगर आपको सही नहीं मिला, नहीं मिलेगा, तो क्या आपका वोट नोटा को जाएगा या क्या सोचकर आप वोट करेंगे? नहीं जी, जो पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उठाए हैं सोच समझ के, ठीक है, अच्छे उम्मीदवार को टिकट दिया है उनके हम साथ हैं, जो ईमानदार है उसको दिया, जिसने मेहनत की है उसके लिए हम, बिल्कुल जो किसान के साथ है किसान का वोट भी उनके साथ रहेगा। गगन खेड़ी गांव से कैमरा पर्सन संजय राहुल के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।